जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज के श्री चरणों में मंगल कामना कहते हैं। मित्रों, आप लोग हनुमान चालीसा रोज पढ़ते होंगे और जो है उसमें एक चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। आखिर जो है इस चौपाई का जो है अर्थ किसी को नहीं पता होगा, और अर्थ तो पता होगा किसी कुछ कुछ लोगों को, लेकिन इस चौपाई के अंदर जो कपीस नाम का जो शब्द है, तो वह क्या शब्द है, आखिर उसका अर्थ क्या है, ये कपीस नाम का शब्द क्यों लगाया जाता है इस हनुमान चालीसा के अंदर, तो वह सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मित्रों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और आप कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं श्री हनुमान जी की इसी चौपाई के साथ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। इस चौपाई में जो है तुलसीदास जी महाराज ने क्या वर्णन किया है, जब हनुमान जी जो है तुलसीदास जी महाराज के सामने आए थे तब उन्होंने हनुमान जी पकड़ लिया। उन्हें पता था कि यह कोई साधारण मानव नहीं है, यह कोई चमत्कारिक है, यह कोई अवतार है, ठीक है। तो उन्होंने पकड़ लिया, तब उनसे बहुत ज़्यादा विनती की, प्रभु अब आप अपने असली रूप में आ जाओ और मुझे अपने दर्शन कराओ। तो जो है जब हनुमान जी ने उनकी विनती कहने पर, उन्होंने जब अपना अपना सुंदर जो विराट रूप दिखाया था तुलसीदास जी महाराज को, तब जो है तुलसीदास जी महाराज को जो है रहा नहीं गया बिल्कुल भी। उनका जब स्वरूप देखा, इतना सुंदर स्वरूप देखा उनका, तो उन पर बिल्कुल नहीं रहा गया और उनका अचानक ही वर्णन करने लगे, तभी यह हनुमान चालीसा लिखी गई है। जब उनके जो सुंदर स्वरूप को जो है देख करके जब तुलसीदास जी महाराज ने उस रूप का जो है वर्णन किया है हनुमान चालीसा के अंदर पूरा, ठीक है, तब जो है यह चौपाई जो आती है, पहली चौपाई आती है, तो कुछ इस प्रकार से वर्णन करने लगे थे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो इसमें क्या कहा था इन्होंने, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या कहा था हनुमान जी से उन्होंने, हे हनुमान आपकी जय हो, जय हो आपकी, जय हो प्रभु आपकी, जय हो आप ज्ञान और गुणों के भंडार हो, ज्ञान और गुणों के भंडार हो आपकी जय हो। इसमें ये भी आता है जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। तो देखिए कपीश, जो कपीश नाम का जो शब्द है मैंने आपको थंबनेल में भी बताया है, इसी के बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कपीश का होता है बंदर, कपीश का मतलब जो होता है बंदर, वानर। आप एक वानर स्वरूप हो फिर भी आपसे ही तीनों लोकों में उजाला है, आप ही हो जो तीनों लोकों में उजाला करने वाले हो, वह आप ही हो, आपकी सदा ही जय हो। इस प्रकार से इस चौपाई में तुलसीदास जी महाराज ने बड़े ही खुश होकर के उनका वर्णन किया है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी तो मिल गई होगी, तो साथ ही साथ अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी आप शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और आपको अच्छा लगा हो तो जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा दो चार लोगों तक, जिससे कि यह जानकारी और भी लोगों को पहुँच सके। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जय श्री राम।